हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम ये 6 यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने ये 4 पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर एंड सेकेंड वन इज़ कंजर्वेशन लॉज इन नेचर। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में, उसमें 4 फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप ये सोचेंगे कि इतने सारे फोर्सेस होते हैं उसके बाद भी मैंने ये 4 फोर्सेस ही क्यों लिखे, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में फोर्सेस तो ये 4 ही होते हैं, कोई 5वां फोर्स अभी तक आया ही नहीं है। जो बाकी के फोर्सेस हम पढ़ते हैं लाइक फ्रिक्शनल फोर्स या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सारे फोर्सेस डिराइव्ड फोर्सेस होते हैं जो इन्हीं चारों में से ही कहीं ना कहीं से निकले हुए होते हैं। अब इस चीज को हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक, पेन, पेपर या फिर कोई भी चीज, सपोज टीवी का रिमोट या अपना सेलफोन आप टेबल से उठाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने किसी भी चीज को जब सरफेस से उठाया तो आप ये सोचे कि उसमें कौन सा फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट्स आप में से यही सोचेंगे कि उसमें मसल्स का यूज हो रहा है, हमने हाथों से उसको उठाया है तो ऑब्वियसली हमने हमारी मसल्स का यूज किया है तो उसमें मस्कुलर फोर्स लगेगा। यस, एकदम करेक्ट, इसमें मस्कुलर फोर्स ही लगेगा। लेकिन जब हम मस्कुलर फोर्स को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि मस्कुलर फोर्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही आता है। सो इसीलिए मैंने ये चीज बोली कि जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम फोर्सेस देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो वो सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं एट लास्ट आके इन्हीं चारों में से किसी एक फोर्स पे रुक जाते हैं। अब जो फर्स्ट फोर्स मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है F=gm1m2/r2। ये फॉर्मूला अभी हम आगे जब फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बार ये हमें पढ़ने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है F=1/4πε0Q1Q2/r2, ये हमारा 12th में हम पढ़ने वाले हैं जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन ये फोर्सेस मैंने लिखे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये चीज आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। जब मैंने आपको बोला कि डिराइव फोर्सेस होते हैं तो डिराइव फोर्सेस जो कि फंडामेंटल फोर्सेस से ही कहीं ना कहीं से निकले हुए होते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज टेंशन, विस्कस फोर्स, नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सेंट्रिपिटल फोर्स। अब जो हमारे फर्स्ट फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस हमारे लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इट मींस हम इनको डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं और इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे नीचे वाले दोनों फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, इट मींस ये न्यूक्लियर लेवल पे होते हैं तो ये इतने छोटे फोर्सेस हैं कि अगर इनको ज्यादा दूर तक ले जाया जाए तो या फिर इनकी रेंज बढ़ाई जाए तो ये फोर्स खत्म ही हो जाएंगे और हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो अब हम ये चारों फोर्सेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे मैंने हर फोर्स के नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कह सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मास की वजह से होता है। आपने ऊपर फॉर्मूले में देखा था कि F=gm1m2/r2, यहाँ पे m1 और m2 दोनों मासेस हैं, तो ये फोर्स हमेशा मासेस की वजह से होता है। सेकेंड वन इज ये अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, नॉट रिपल्सिव, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्शन नहीं होता है और इनकी रेंज इन्फिनिटी होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फोर्स हमारे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, इट मीन्स कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके चार्ज की वजह से होते हैं, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था F=1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो चार्जेस की बात करें तो ये फोर्सेस, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे तो ये फोर्स हमेशा चार्ज की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकी जो रेंज होती है वो भी इन्फिनिटी होती है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की होती है। उसके अलावा ये इनकी स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी ज्यादा होती है। और जब हम ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ होता है, इवन सुना भी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने चार्जेस ड्रॉ करे हुए हैं प्लस प्लस, यानी जो दोनों सेम चार्जेस हैं और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और ऊपर वाले केस में ये रिपेल कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं, मतलब कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों, आप इसमें देखिए यहाँ पे ये फोर्सेस प्रोटॉन प्रोटॉन में लग सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लग सकते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लग सकते हैं। जब हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि प्रोटॉन दोनों पे प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है, ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है। जब प्लस प्लस दोनों सेम चार्जेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो इट मींस कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं। सेकंड वन इज इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। अगर हम डिस्टेंस मेजर की बात करें तो इनकी जो मेजरमेंट होती है वो 10^-15 meters होती है, जो कि एक डायमेंशन होती है न्यूक्लियस की। ये फोर्स स्ट्रेंथ में ये स्ट्रांगेस्ट होते हैं, जितने हमारे चार फोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही फोर्सेज होते हैं। नाउ नंबर फोर इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्सेज होते हैं बहुत ही रेयर फोर्स होते हैं और बहुत सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उस टाइम पर ही हमें दिखाई देते हैं। अब जब न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनो एमिट होते हैं, तो उस सिचुएशन में या उस प्रोसेस में हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है सिर्फ नाम से वीक है, अगर देखें हम इसे तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इसकी रेंज होती है 10^16 meters। अब यहाँ पे जो नीचे मैंने आपको दे रखा है ये एक स्ट्रेंथ ऑर्डर दे रखा है ईच एंड एवरी फोर्स का। जो हमने चार फोर्सेस पढ़े हैं उनका स्ट्रेंथ ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा, तो ये नंबर वाइज है। सबसे ऊपर जो आता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स और एट लास्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब में से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बहुत ही कॉमन फोर्स है जिसे हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ा हुआ होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो इसका कार्ड मैंने आपको ऊपर दिया हुआ है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्वेशन लॉज इन नेचर। ये जो लॉज होते हैं ये नेचर के वो लॉज होते हैं जो नेचर में बने हुए हैं, जिन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनकी स्टडी कर सकते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना से अकर होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, वो एक एस्ट्रोलॉजर भी थे और उन्होंने भी ये बात बोली थी कि नेचर अपने लॉज को खुद भी ब्रेक नहीं करता। और इसका एग्जांपल हमारे पास सन और रिवर से हम समझ सकते हैं, जैसे सन राइज होता है ईस्ट से, तो ये फिक्स्ड बात है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती और ये नेचर ने बनाया है। सेम ऐसे ही जो रिवर है वो स्लांट सरफेस पे यानी कि ढलान से बहती है, तो ये चीजें कुछ फिक्स होती हैं जो कि हमें नेचर ने ही दी हुई है, जिन्हें नेचर भी खुद से ब्रेक नहीं करता। कंजर्वेशन लॉज इन नेचर में हम देखते हैं लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में जो लॉज ऑफ नेचर होते हैं वो सेम होते हैं। अगर हम फिजिकल वे में इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमारी कुछ कंजर्व क्वांटिटीज आती हैं। कंजर्व क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। सी इन एनी फिजिकल फिनोमिना गवर्न बाय द डिफरेंट फोर्सेज सेवरल क्वांटिटीज में चेंज विद टाइम बट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट इन टाइम। दोज आर कंजर्व क्वांटिटीज ऑफ नेचर, सम ऑफ देम आर एनर्जी मोमेंटम चार्ज एंड एक्सेट्रा। ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं। क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज विद टाइम, तो ये जो क्वांटिटीज अनचेंज रहती हैं उनको हम कंजर्व क्वांटिटीज कहते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट पे आती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इट मीन्स कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने पहले भी सुना होगा कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये टर्म हमने 9th और 10th में पढ़ी हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फोर्स में या किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, इसे हम जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी हम किसी भी पार्टिकल को रोटेशनल मोशन में यानी कि सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हैं या वो चीज जब गोल गोल घूमती है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो अपने आप कभी नहीं बढ़ता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम ये टर्म हम जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में तो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल सिमिलर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। जैसे एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सेम विद चार्ज, ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जो फिजिक्स होती है हमारी वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, अपने आप उसमें कुछ भी नहीं होता। और जितने भी हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, उनको सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है बाय एक्सपेरिमेंट्स कि यस ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता है या फिर नहीं होता। अब ये जो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया था इसमें आप देख लीजिए एक बार, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। दिस मीन्स कि सिस्टम ऑलवेज हैज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स कि जो सिस्टम होता है उसमें हमेशा सेम अमाउंट होता है एनर्जी का, ना उसको हम बाहर से ऐड कर सकते हैं ना ही हम उसको कम कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की थी, तो ये सब मैंने अभी आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। उसके अलावा आप एक बार एनसीईआरटी को प्लीज जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपका रीडिंग बेस्ड थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो उसमें एनसीईआरटी की रीडिंग आपके लिए मस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड बिलीव मी अगर आप ऐसे ही प्यार से और इंटरेस्ट के साथ में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको जैसे आज की डेट में अपने सेलफोन्स और मोबाइल लैपटॉप इन चीजों से प्यार है ना, उतना ही आपको फिजिक्स से भी हो जाएगा और उसी वे में आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी क्योंकि ये सारी चीजें भी हमें फिजिक्स से ही मिली हुई है। सो थैंक यू सो मच।